नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। खबर जनपद शामली से है, जहां कांदला पुलिस और आबकारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कांदला थाना अध्यक्ष करमवीर सिंह व आबकारी पुलिस ने चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब और चार पेटी हरियाणा मार्क का शराब व एक मोटरसाइकिल, एक कार भी बरामद की। आपको बता दें, पकड़े गए चारों शराब तस्कर शराब का व्यापार मोटरसाइकिल और कार के द्वारा कर रहे थे। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चारों शराब तस्कर सातिर किस्म के हैं, जो लॉकडाउन का फायदा उठाकर मोटे दामों में शराब का व्यापार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए चारों शराब तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। ये जो कैराना रोड से आ रहे थे बाइक पे, और हम इधर से आ रहे थे तो शक हुआ, इनको रोका और एक बोगरा था पीले रंग का, उसमें जब देखा खोल के तो दो कैन थी, तो कुल टोटली 30 लीटर कच्ची शराब। अच्छा अच्छा, तो क्या कार्रवाई की जा रही सर इन लोगों के खिलाफ? कार्रवाई इनका जो FIR करा दी और जो जेल भेजा जाए। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल्स है @ न्यूज 9 लाइव टीवी।